सैमसंग इस साल अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाते हुए जल्द ही गैलेक्सी M40 लेकर आ सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी M40 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एक पॉपुलर यूट्यूबर ने अपकमिंग डिवाइस के बारे में पता लगाया है। गैलेक्सी M40 भारत में 11 जून को लॉन्च किया जा सकता है। यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो पब्लिश की है जिसमें गैलेक्सी M40 के डिजाइन को देखा जा सकता है। गैलेक्सी M40 के गैलेक्सी 160 और गैलेक्सी S10 सीरीज की तरह पंच हॉल ऑफ डिस्प्ले के साथ आने का अनुमान है। हॉल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखा जा सकता है। इन्फिनिटी ऑफ डिस्प्ले बेजल लेस है और सैमसंग फोन में AMOLED पैनल का इस्तेमाल कर सकती है। गैलेक्सी M40 की बैक पर ग्लोसी ग्लास डिजाइन देखा जा सकता है। इसमें परिपत्र कैमरा सेटअप और रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखा गया है। यूट्यूबर के अनुसार गैलेक्सी M40 में स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट के साथ 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इस महीने की शुरुआत में गैलेक्सी M40 के 25,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में आने की रिपोर्ट्स आई थी। यूट्यूबर के अनुसार फोन 20,000 रुपए के आसपास के प्राइस सेगमेंट में आ सकता है। अगर गैलेक्सी M40 सच में जून 11 को लॉन्च होने वाला है तो सैमसंग अब किसी के दिन फोन के बारे में टीज कर सकता है।